الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. दोस्तों, बुजुर्गों, आजीजों, आज ख्याल था ये तारीख है वलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी मुझे बयान करूँगा। लेकिन अखबार देखने के बाद राह नहीं बदलेगी। इस वक्त जो वाकयात पेश आ रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसके मुताबिक कुछ अर्ज करूँ यह ख्याल हुआ। उसके लिए सबसे बेहतर सूरह मेरा ख्याल है कि ना तेरा का कौशल है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तशरीफ ले लिए इस सूरह को नाज़िल फरमाया, जो सबसे छोटी सूरह है, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें इनामात भी बयान फरमाए अल्लाह ताला ने, और एहसानात भी बयान फरमाए, और इंतकामी जो चीज़ हो सकती है नबी के खिलाफ उसको भी बयान फरमाया, ताकि आपको तसल्ली भी हो जाए। इस दिन आपको इस सूरह, छोटी सूरह में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ बयान फरमाया। मुझे एक वाक्य भी याद आया, हम लोग फतेहपुर तालाजा थे, माशा सुल्ला साहब भी थे, उस वक्त भी किसी दुश्मन इस्लाम ने कोई तौहीनी अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलिक कहे थे। पूरी दुनिया के लोग अफसरदा थे और बहुत ज़्यादा गमजदा थे, तो हमारे हजरत माशा सुल्ला साहब ने इसी आजमती बयान फरमाया आए दिन बकई सूरह के मुताबिक। उस जमाने में हमारे मदरसे में मौला मोहम्मद हनीफ साहब जो हैं हमारे मदरस थे, उनके भी बयान करने के लिए आबादी में भेजा, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बयान किया, सबको तसल्ली हो गई, बयान से तसल्ली हुई। वही चीज़ मुझे याद आई, मैंने कहा कि यही सूरह मैं भी पढ़ लूँ, इसके मुताबिक जो कुछ मुख्तसर सा बयान हो सकता है वो कर दें इंशाअल्लाह। इससे हमको तसल्ली भी होगी और अल्लाह ताला भी इंशाअल्लाह राजी होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौशर, हमने आपको कौशर अता फरमाया। कौशर के साथ हौज़े कौशर भी बोला जाता है, नहर कौशर भी बोला जाता है, कि जन्नत भी है, सन्नहरें भी हैं और हौज भी हैं, और एक कौशर के माने खैर कसीर के हैं, कौशर कसरत से है। ये बहुत सी चीज़ें आपको दी हैं, उसमें से हौज कौशर भी है और नहर कौशर भी है, जुज हो गया उसका। पहले तो हौज कौशर या नहर कौशर उन फरी, एक कौशर के माने अगर कसरत का सिरा लिया जाए तो माने कि बहुत सी चीज़ आपको दिया है, उसने हौज कौशल भी दिया है, नारे कौशल भी दिया है। बहरहाल बतौर इम्तिहान के अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौशल, हमने आपको कौशल दिया। उस कौशल में कुरान भी है, दीन भी है, शफात कुबरा भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। इस बना पर इसका भी तस्वूर होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नेमतें दी हैं कि इन जैसे बेहूदों के कहने सुनने से कोई असर नहीं पड़ता। पहाड़ पर अगर मच्छर जंग मारे तो उसका असर होगा कुछ नहीं। इसी तरह मच्छरों से बचने की कीमत कोई कीमत नहीं। इस जगह पर
हमको आपको तसल्ली भी रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह अजीज इनका असर उल्टा ही पड़ेगा, सीधा ही पड़ेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आपकी बड़ाई बुजुर्गी बढ़ती ही जाएगी, कोई कम नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग थे, वो मजली से कोई बयान फरमा रहे थे, उनकी जबान से निकल मोहम्मद बशरुल ला कल बशरी बल हो याकूत बैन हजरी। मोहम्मद बशरुल, देखिए कितने बड़ी बात, मोहम्मद बशर है लेकिन हमारे से बशर नहीं है, ऐसे हैं जैसे पत्थरों में याकूत जब अहरात होते हैं वैसे हैं। मोहम्मद बशरुल ला कल बशरी बल हो याकूत बैन हजरी, जैसे आम पत्थरों में याकूत होता कितनी कीमत होती है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम तो बशर का है लेकिन मलाकत भी उनकी इज्जत बढ़ी है। जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर ले गए जिन्हें अभी नहीं जा सके, बहुत दिल दोस्ती मुखलसम याद थी हिनानंद सोहबत चरा साफ थी। जब मेरा में जाने लगे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें इस्लाम के खास मकाम पर रुक गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे बढ़ो हम चल रहे हैं तुम भी चलो। कहा अगर एक चले बाय बढ़ता परम, अगर एक बार के बराबर भी मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं ये सब मेरा दिल जल भूल जाएगा। जब यह फिर सल्लाह से वो मरतबा कहां क्या था और कहां क्या हुआ। मोहम्मद बशर, मोहम्मद बशर है लेकिन परिश्रम से इनका दर्जा बढ़ा हुआ है, जिन्हें जहां नहीं पहुंच सके नबी सल्लम ने अपनी सवारी को मुराद को बढ़ाते चले गए। इससे यहां के लोगों से कोई असर पड़ेगा कुछ नहीं, तो उनके मर्तबा और बोलना नहीं होगा। मोहम्मद बशरुल्ला कल बशरी बहुत बड़े बुजुर्ग का लिखा है, मोहम्मद बशरुल्ला कल बशरी बल हुआ याकूत बल हजी, जैसे और पत्थरों में याकूत की हैसियत है। अब देख कितना फर्क है, एक वो पत्थर है एक पत्थर, इससे बाहर पत्थर लगा हुआ, उस पत्थर के बाद और पत्थर लगा हुआ, आप यहां और अच्छा अच्छा पत्थर लगा, पत्थरों की मिसाल है नहीं, पत्थर पत्थर में भी फर्क है, इसे आदमी आदमी में फर्क है। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर है और अबू जहल भी बशर ही तो था, दोनों में था वो अबू जहल, ये अबुल इल्म अबुल मार्फत अबुल मेराज। इस बिना पर आता है रवायतों में हमारी किताब में लिखा है कि जब नबी उन बुजुर्ग की जबान से बाहर निकली तो उधर से यहां हुआ कि तेरी बकरत कर दी गई, क्योंकि तुम्हारे नबी की नई तारीफ किया तुमने मोहम्मद बशर और तुम्हारी मफरत नहीं, मगर सारी मजलिस जितने लोग हैं सबकी नफरत हुई इस कलमे की वजह से लिखा हुआ है। मोहम्मद बशर ला कल बशरी बल हुआ याकूत बैन हजरी, फिर उसके बाद हर मजलिस में उनके पढ़ते उनके यहां मेरे दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत उनकी बड़ाई को कौन समझ सकता है। अलम नशरा ने का सूरत आपके हमने सीने को इल्म हिल्म से नहीं खोल दिया, वरा फाना लेकर जिक्र हाँ ने आपके जिक्र को बुलंद किया है। हमारे चाहे से एक मरतबा यही इबारत था, इस दिन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्चा लहरा रहा था जहाजों पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई इसको गिराने वाला नहीं था। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पर्चा बुलंद, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पर्चा भी बुलंद था। अल्लाह मेरे दोस्तों उसको गिरा नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कद्र करने की तौफीक दे। कदर की सबसे बड़ी चीज यही है उनके तालीमात पर हम अमल करें, खवास से भी तालीमात पर अमल खत्म हो रहा है। मैं तो आराम सर्दी से आराम हूं, ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन लोगों को पता ही नहीं कि आज जुमा का दिन है। कई गाको देते सराज पंत तशीर फिलहाल वक्त हूं मैं फजरीदा बस कुरुल्लाह कसीर अजाज हम तुम फिर हूं, ये कुरान कह रहा है कि जुमा के लिए है कि जुमा की नमाज पढ़ के निकलो और जिक्र करो। अल्लाह फलाह देने वाला है, फैला कुलियति सरा फन तसीरु फिल अर्ध वत तगु मिन फदीलिल्लाह वस्कुरुल्लाह कसीर लअल्लकुम तुफलहून, फलाह पा जाओगे। ये फलाह पाने के दिन है ना, कुरान है कि नहीं। ये आज उम्मत सड़कों पर घूम रही है, उनको पता नहीं कि नमाज जुमा का दिन है, सबके उनकी तालीमात पर अमल करना। आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्ज वफात में थे तशरीफ दे जाते थे, उस उठ उठ के देखते थे कि नमाज हो रही कि नहीं है, कि नमाज किताब में लिखा हुआ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ है कि नहीं, सब वाक्य सब नमाज की इतनी फिक्र, बागियों की फिक्र और नमाज की फिक्र होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी।
इस वजह से उम्मत के अंदर भी ये दाइया और जज्बा आना चाहिए कि हमारे नबी को जन्म माँ से इतना ताल्लुक था तो हमको भी ताल्लुक रहना चाहिए। आज सब शादी घर आबाद हो जाए लेकिन नमाज मस्जिद आबाद है, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं मानने में। दोस्तों बुजुर्गो, हमको भी कुछ करने की जरूरत है। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। जिक्र के एक सबसे अहम जिक्र नमाज है। जिक्रों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा जिक्र तिलावत कुरान है। हुजूर ने फरमाया अब्दुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और नमाज़ों से मालूम होता है कि अब्दुल जिक्र तिलावत कलाम उल्टा है। इसकी हम पाबंदी करें, हम सबके अंदर कसूर है, हमारे अंदर कसूर है। जो अल्लाह का हक है उसको हम क्या पूरा कर रहे हैं? नबी का जो हक है क्या पूरा कर रहे हैं? कितनी मरत हम भविष्य पढ़ रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे सलात और सलाम कितना भेज रहे हैं? इस जगह पर हमारा भी कुछ हक होता है दीन पर और इस्लाम पर और नबी पर। वो तो जो इख्तलाफ कर रहा है वो तो दोनों रसील हो ही रहा है, कोई शक नहीं है। फिर दर के असल में नाक जहन्नम के निचले तबके में जाएगा दोस्तों। लेकिन हमारा भी हक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआएं की हैं। मुज़दलिफा में दुआ किया है, अरफात में दुआ किया है, दुआ करते ही रहे। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी तआज़ीम करें, उनकी तालीम की कदर करें। आज अगर हम तालीम पर कदर करते तो आज हमारा ये हासिल नहीं होता। दोस्तों बुजुर्गों, हमको अपने दीन पर रहना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर दिया है, आपको कुरान दिया है। ये कुरान मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिला, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिला, शायद मिले। ये कुरान उम्मुल किताब है, उम्मुल किताब कुरान है, वो उम्मुल अंबिया उनको दिया गया है। बहरहाल इन्ना आतैना कल कौसर, फसल ले लिया रब का, अब इसका शुक्रिया भी अदा करो। आ गया फसल दे, जूर बयान कर रहा था मुझे याद ही नहीं था, फसल दे दे, इसका शुक्रिया ये है कि आप नमाज पढ़िए। आपको जो हमें खैर कसीर दिया है, हौज कौसर दिया है, और उम्मत भी इसके अंदर शरीक है, जाएगी उम्मत तो जो हुजूर को हुकुम है वही उम्मत को भी हुकुम है। फसल ले लिया रब का वन हर, आपने रब की नमाज पढ़िए, बुतों के लिए नहीं बल्कि अपने रब के लिए। फसल ले लें रब बेकर, अपने रब के लिए बना रहा कुर्बानी कीजिए। इसमें तफसील है कुर्बानी कीजिए, क्योंकि कुर्बानी यही मुराद है। और मैं कहता हूं कुर्बानी ये भी है कि अपने नफ्स की कुर्बानी पेश करो, कुर्बानी पेश करो। कुर्बानी इसकी यही है कि जहां शरीयत का हुक्म आ जाए उसको उसको आगे बढ़ाओ, जो तुम्हारा उसको दबा दो। शरीयत हुक्म, शरीयत के हुक्म को बाला इस सब रखो, बाला आदमी हमारे अंदर फरमाते थे कि देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम दुनिया छोड़ दो, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि दुनिया इस पर रखो और दीन को इस पर रखो। बहुत फर्क है, बिरादरी है। फसल ले लें रब का, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। कोई मानी लीजिए लन तनाल बिर रहता तुम फेको मिम्मा तो हिमूत, तुम दिल और नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि जो महबूब चीज है उस पर छोड़ोगे। हगे कौशी रहेंगे, ये सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, मुझा अमल के लिए। लन तनाल बिर रहता तुम फेको मिम्मा तो हिमूत, जो अमल की जड़ों में वो भी आधी है, इससे वो भी चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्लाह ही रहते हैं जहाँ हमारा क्या करोगा। लन तना बिर हत्ता तुम फेको मिम्मा तो हिमू, बिल को तुम नेकी को नहीं पहुंचोगे। यहां कहीं जो तुम्हारी महबूब चीज है उनको छोड़ न दो। एक साहबी गए यार रसूल अल्लाह, ये बाग जो है हमको बहुत महबूब है, हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, उसी बाग में हम लोग जो गए थे हज करने तो उसी बाग में ठहरे थे, मैं नबी के सामने मुड़ी अमदी थक मंगा था, उसी को बाग दे दिया, बाग को दे दिया, हम रसूल अल्लाह से ले लिया। तशरीफ लाते थे उस बाग में, पानी पीते थे, खजूर खाते थे, तू देख रहा है धोने की यही था। अब मुझे नबी में ले लिया गया, उस पर फर्श है, लेकिन जो लोग जानते हैं छात्र देख लेते हैं यहाँ कुआं बना हुआ भी यहाँ वही था। लल तनाल मिर्ज हत्ता तुल फेको मिम्मा तो हिमूत, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अल्लाह के अमाल को तरजीह देने की तौफीक दे अपने अमाल पर, नफ्स पर,
قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولہ قربانی کرو. اب آگے والا جملہ ہی اس میں مقصود تھا بیان کرنے کا, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ولہر ان شانئک ہو. آپ کا برا چاہنے والا, آپ کا دشمن کیا اب تر وہ دم بریدہ ہے, قاتل نسل نسل اس کی قطع ہو جائے گی. یہ کتنی تسلی کی بات ہے کہ آپ کو اب تک کہہ رہا ہے, آپ کے ساتھ جانے کا انتقال ہوا, کہا کہ اب ان کے پاس کوئی رہا نہیں, اب اس کے بعد یہ ختم, جب تک ہے جب تک ہے, پھر ان کے بعد ان کا دین بھی ختم, ان کے تمام جتنی چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, آپ باقی رہیں گے اور اب بھی باقی ہے الحمدللہ, دیکھ لیجیے سامنے باقی ہے, کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو. اللہ تعالیٰ مٹانے کی کوشش ہے, نہیں مٹا نہیں سکتا, ان شاء اللہ ہوگا بھر گئی تھی بھائی جی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا, بیت المسجد میں بھی رہے گا, ہر مین شریف میں آج ہی چیز دوسری چیز رہے گی. بہرحال ان نشانیہ کا ہوا اب تک, آپ کا جو برا چاہنے والا ہے وہی اب تک, وہی دمبریدہ نسل بریدہ وہی ہے. والی نے کہا تھا یہ غوثہ کے اندر کہا تھا, اللہ تعالیٰ کی چیز بہت ناگوار بھی تھی, ان آتے ہی نہ کر کو سر, آپ مطمئن رہیے اس کے کہنے دیجیے, یہ خبیث ہے اخبص ہے یہ کمینہ ہے, اس کو کہنے دیجیے آپ کی یہ شان ہے, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, اس کے شکریہ میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. سب سے بڑی قربانی میں نے کہا اپنے نفس کی قربانی ہے, فامن آزر نفس کی قربانی سب سے بڑی. شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اس کے پاس بھی نہ پھٹکو. جب عقل اور شرع کا مقابلہ ہو تو شرع کو مقدم کرو, طبیعت کو چھوڑ دو, عقل کو چھوڑ دو. عقل لوجی ہے, خدا کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں. آفتاب اندر دھام وادے تسے گوئے درخت, بہت عمدہ شعر ہے, آفتاب اندر جہاں واگے کسے گویا جگہ. آفتاب دنیا میں ہو اور کوئی سوہا کو ستارے کو ڈھونڈے تو یہی کہا جائے گا کہ بیوقوف آدمی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. مصطفیٰ اندر جہاں واگے کسے گویا, مصطفیٰ اندر جہاں واگا کسے گویا جگہ, آفتاب اندر جہاں واگا کسے گویا سوہا. مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنے سے کوئی بات کرے تھے, ایسے ہی جس کے آفتاب کے ہوتے ہوئے کوئی چراغ کو ڈھونڈے. بہت اندر سے مصطفیٰ اندر جہاں واگے کسے گویا جگ, آفتاب اندر جہاں واگے کسے. آفتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آفتاب ہے کوئی ان کو ان کے روشنی میں کوئی پڑھ نہیں مار سکتا, وہاں جا نہیں سکتا. اس آفتاب پر گھن لگ سکتا ہے لیکن اس آفتاب پر گھن نہیں لگ سکتا, وہ زندہ ہی رہے گا بڑھتا ہی رہے گا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کے سینے کو فلم سے اور علم سے کھول دیا ہے, کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا. دوستو بزرگوں, ہم کو اپنے کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے قدر کر رہے ہیں. سب سے اہم چیز نماز ہے, آپ چلیے سڑکوں پر کیا نماز کا حال ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اگر کوئی شخص برا ان کو کہتا ہے اس کی برائی اس کے ساتھ ہے. مہارا الم نشرح لک صدرک انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہو الابتر, جو آپ کا برا چاہنے والا ہے, آپ کا دشمن ہے, آپ کا مخالف ہے, وہی نسل بریدہ ہے. جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل روحانی آپ کے سامنے ہے اور ایسے ایسے کتنے ہیں, حضرت میں کروڑوں آدمی اس وقت سب سجود ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہوں گے. اور وہ خبیث جس نے کہا تھا اس کا کوئی درجہ ہے پتہ بھی نہیں کہا گیا. وہ انہیں تو یہ ثابت نہیں کہ اس سے اولاد تھی, اگر تھی تو کہا نہیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ جسمانی نسل بھی چل رہی ہے اور روحانی نسل سے کیسے کیسے اولیاء پیدا ہوئے ہیں, قطب الاقطاب پیدا ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اذا استغفر اللہ للصغیرین
तो कुल लोग सौदा हो। जब किसी शरीफ के लिए अल्लाह उनके साथ के लिए तजवीज करता है, सब शहीद ही होते हैं, सब शहीद हैं। या सखर अल्लाह ने शहीद ही तो कुल लोग सौदा हो, सब सौदा है। इस बिना पर अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा की तौफीक रहमत फरमाए। जितनी खूबियाँ हैं, जितने सब आपके वसाता से मिलते हैं, इनकुन तुम हुबुन अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अगर तुम अल्लाह के यहाँ महबूबियत चाहते हो तो आप कहिए कि मेरी इत्तेबा करो, बगैर मेरी इत्तेबा के तुम किसी दर्जे को नहीं पहुँच सकते। मखलूक के अंदर और खुदा के अंदर वास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रखा है, ये रास्ता खत्म करिए, कोई कहीं तक पहुंच नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता और बरजख और पुल बनाया है। जस इस बिना पर हमको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार को, उनकी अहमियत को, उनकी शान को बरकरार रखने के लिए उनकी इत्तेबा करें। जितना इत्तेबा होगा उसी अल्लाह की रहमत मंजूर होगी। इस बिना पर मेरे दोस्तों मुझे इन निशानी को अब तक देखो, अल्लाह ताला है ऐसे आदमी को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजम्मत करेगा, दुनिया में भी दिखा देगा उसको। इस बिना पर इस कहने में हमको कोई बात नहीं, हमारे नबी हैं, हमको उनकी अजमत को बरकरार नहीं बल्कि बढ़ाना है, अपने अमाल से बढ़ाना है, अपने अखलाक से बढ़ाना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये क्या है, मुतबीन है, उनके अखलाक से वो पहचाने जाए, उनके मामला से वो पहचाने जाए कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साबिक थे, अमीन थे, अमानतदार थे, उनके हर फर्द को साबिक भी होना चाहिए, अमीन भी होना चाहिए, बाखलाक भी होना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक ही की तजवीज, उसकी तालीम, उसकी तरबियत के वो इसमें मकालम अखलाक। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। किसी वजह से मैंने बयान किया, मैं जिम्मेदारी या जन्म में दूसरा मजमून वफात में इसके बारे में बयान करने वाला था। मैंने कहा कि वो तो बहुत से लोग बयान कर ही रहे होंगे, उनकी जो गरज है क्यों कबूज किया, इन्ना आते इन्ना कर कौशल, हमने आपको कौशल दे के भेजा है, खैर कसीर दे के भेजा है, हौज कौशल दे के भेजा है, नहर कौशल दे के भेजा है, कुरान दे के भेजा, ये कम है। इस वजह से हमको और आपको इसकी कदर करनी चाहिए। इतनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफ हैं, उलूम हैं, अल्लाह वली वो मकामात हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उन उलूम से आगाह फरमाए, उनके दर्जात से हमको आगाह फरमाए, और हमारे दिल में दाइया और जज्बा हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात, उनके अखलाक के अतबार से, मामलात के अतबार से हम सबको इसमें कामयाब बनाए। इंशाअल्लाह यही हमारा जवाब है और यही हमारे लिए शनाख्त होनी चाहिए कि हम उम्मत नबवी के हैं, हमारे अखलाक भी दुरुस्त, हमारे मामलात भी दुरुस्त, हमारी हर शान में दुरुस्ती भी पैदा होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ما آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين